नजर पकाइबा एक बड़ खबर उपरे भुवनेश्वर रे फाटला विद्युत ट्रांसफर्मर जेउथिरे चारि जण गुरुतर होइछंती आज सकाळे चंद्रशेखरपुर स्थित ओमफेळ ऑफिस गेट समक्षरे थेबा विद्युत ट्रांसफर्मर फाटीथला फलरे निकटरे थिबा एक जळखिया दुकान मालिक एवं तांको पुओ गुरुतर आहत होइछंती या सह दुकान रे कार्यरत अन्य दुई जण मध्य पडि जाइछंती पुलिस समस्त आहतंकु उद्धार करी कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करछु। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित भुवनेश्वर सुधासल को जना प्रतिनिधि रोशन नथ रोशन राजधानी रे फाटिला ट्रांसफार्मर चंद्रशेखरपुर ओमफेड फैक्ट्री निकट रे ए अघटन घटितबा देखबा को मिलछि एथिरे चारि जना आहत होइछन्ति प्रथमे कहंतु सेमनक अवस्था किबो रहिछ देखो विस्मय ये होची से जो चित्र चंद्रशेखरपुर ओमफेड छक निकट आप देखिपे कि भाव में ट्रांसफर्मर खंड विखंडित पार्ट पड़ी रास्ता उपर पूरा पूरी भाव में ट्रांसफर्मर की फाटी संपूर्ण भाव में जली जाए विशेषकर आम जदि देखा ट्रांसफर्मर को लगे जो दुकान गुड़िक रही दुकान गुड़िक जली जाए जहाँ अनुमान जो दुईट दुकान चारज थे से दुकान कर्मचारी मैंने गुरुतर आहत होती ताकु प्रथमे अग्निशम बाहिनी पहुँचीला निलिवेला और पीसीआर पहुँची ताकु उद्धार करी 108 आंबुलांस जरिया कैपिटल मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। वर्तमान पर्यंत कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली पारनी जे वास्तविक सेमानको अवस्था किपरि अछि अधिक गुरुतर अछि ना सेमाने सामान्य आहत होइछन्ति किंतु जो परिमाण रे ब्लास्ट होइछि एवं निया जळी जाइछि दुकान रो आसबावपत्र पुड़ी जाइछि एवं ट्रांसफार्मर खंड विखंडित पार्ट गुड़िक जेभळी भाबरे अधिक दूर पर्यंत बिछी हेइ पड़िछि अनुमान करा जाउछि सेमाने हुए तो अधिक गुरुतर थी पारती जेहेतु भोर 5:30 पाखापाखि ट्रांसफर्मर पड़ा तेणु ये स्थानीय लोक एतटा कई देखी नहांती जे वास्तविक पूरा घटना कौन थिला किंतु जो भाव में आप देखिपे ये हूँ से दुकान रिच्छ जिनस रही कि भाव में ता भर सबकि जिनस पाउँश हो जाए पोड़ी तेणु ये सब जिनस निश्चित भाव में अनुमान कर ट्रांसफर्मर ब्लास्ट के भयंकर थिला किभली भाव में फाटी जो दुकान रही प्रतिक्रिया नुलू से जो विलंब में पहुंची थे केवल ट्रांसफर्मर जलुवर चित्र देखा पाई कितु वास्तविक से समय सेमती कहीं प्रेजेन्स नए तेणु क्योंटि ना क्योंटि जेहेतु ये दुकानटी ट्रांसफर्मर को लगिकी रही तेणु अनुमान अधिक क्षय क्षति होतीपे ये दुकान रो चारज कर्मचारी थे कितु निश्चित भाव में आम जदि कहीपर जेहेतु भोर 5:30 ब्लास्ट टी गोटे बड़ धरण विपद को टाणी देपारे अत्युक्ति हम नहीं कारण आउ कि समय पर सका समय भितर जेहेतु टिफिन दुकान रही अधिक अनेक लोक टिफिन खायापी आसता जदि से ही समय ब्लास्ट होता क्योंकि ना क्योंकि गोटे बड़ धरण विपद हो पड़ता अधिक लोक गुरुतर आहत होवार संभावना था तेणु बर्तमान विद्युत विभाग कर्मचारी मैंने पहुंची से ट्रांसफर्मर को विद्युत कनेक्शन रही है ताकि काटिदेव क्यों परिस्थित ट्रांसफर्मर घट फाटिला कहीं ट्रांसफर्मर फाटिला तार वर्तमान अनुध्यान चली जाने पाई चाहिए राजधानी बारंबार एभली अनेक दुर्घटना हो घटना सामना को आसुची बड़ा प्रश्न राजधानीवासी इन्हें केते सुरक्षित अच्छा देखो तो निश्चित भाव में घटना तो विभिन्न समय देखा मिलूँ किंतु ये जो कथा घटनाटी घटी क्यों कारण घटना घटला ताकू नहीं वर्तमान तदंत चलती जो विद्युत विभाग कर्मचारी माने अच्छा से मैंने वर्तमान तार अनुध्यान करण जो ट्रांसफर्मर भी फाटला तार अनुध्यान कर विशेषकर जब पूरा परिस्थित देखा वर्तमान जो स्थानीय लोक अच्छा ये जो साइट्रे कि कर्मचारी अच्छा से मैंने वर्तमान लोक रुंड हो जाए लोकों भितर कि भय मध्य रही एभली परिस्थिति रे गोटे बड़ विपद क्योंकि ना क्योंकि टली जाइए कहले अत्युक्ति हम नहीं कारण आदि आउ कि समय पर दिन बेला ब्लास्ट होता बहुत लोक आहत होवार संभावना थी एवं दुईट दुकान जो दुई दुकान पोड़ जाइए जो दुकान जो चारज कर्मचारी थे से आहत होती गोटे प्रकार सका टीफिन बिक्री करेंगे बोली खाद्यपेय प्रस्तुत कर सारी किंतु ब्लास्ट एत दूर थी जे दुकानी जली जाइए दुकान जो जिनसपत्र रही सेगुड़िकपट सेपट छिंचत्र पड़ी और वर्तमान कैपिटल मेडिकल भर्ती कर रोशन जिते बड़े दुर्घटनाटी घटीला से पाखे कहीं व्यक्ति थे यदि कह जो दुर्घटना घटला से देखी किसी प्रतिक्रिया आसुच्छी
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ସେହି ସମୟରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଭୋର ପାଖାପାଖି 5:30ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପାଖ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଦୋକାନ ଜଳୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ସେମାନେ ଫାୟାରବାଲା ଆସି ଦୋକାନ ନିଆଁ ଲିଭେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ଯେହେତୁ ଭୋରରୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେମିତି କେହି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତା ପଛପଟେ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲର ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଫାଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ରୋଶନ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ କ'ଣ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଷଣ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।